तो दोस्तों, फ्लाइंग कार का नाम सुनते ही आप लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि जैसे मान लो कि आप अगर रोड पे जा रहे हैं, कहीं पर आगे आपको ट्रैफिक जाम मिलता है तो आप वहीं से उसको जो है वर्टिकली जो है टेक ऑफ करा पाएँ और फिर जहां पर आपको लैंड कराना है वहां पर लैंड करा पाएँ, ऐसी आपकी इच्छा होगी। तो अगर आपकी ये इच्छा थी तो अब जो है पूरी हो गई, क्योंकि इससे पहले आपने अगर 2 महीने पहले एक न्यूज़ देखी होगी जहां पर एक फ्लाइंग कार थी जो कि वर्टिकली जो है टेक ऑफ और लैंड नहीं कर सकती थी, जो कि कैरन वेजन एक कंपनी है उसने उसका जो है टेस्ट किया था, टेस्ट फ्लाइट की थी। वो कौन सी थी उसकी फ़ोटो आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन इसके बारे में वीडियो और भी जानकारी जो है वो आगे हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिर बात करते हैं इस वीडियो में, हम जो खास जिसकी बात करने वाले हैं तो ये एक है चाइना की कंपनी जिसने बना ली है वर्टिकली जो है टेक ऑफ करेगी और लैंड भी करेगी, ठीक है। और एक है उसके बाद अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है जावे एविएशन और इसके साथ नासा भी जुड़ा हुआ है। आखिर नासा इसको अपनी कार क्यों बता रहा है, तो ये सारी बातें और भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो काफ़ी सारी नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक देखिए, कुछ ना कुछ नया आपको जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हम चाइनीज कार के बारे में बात करते हैं जिसका नाम रखा है उन्होंने वाइजर X2 फ्लाइंग कार। और ये वाइजर X1 थी, उसके बाद इन्होंने बनाई है वाइजर X2। और ये कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम है यक्सपेंग मोटर्स और जिसके CEO हैं ही चैंगपेंग। अगर कोई भी प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आगे बात करते हैं कि इसकी टेस्ट इन्होंने कहाँ पर की है, तो इसकी टेस्ट की है नॉर्थ वेस्ट चाइना का जो प्रोविंस है जिसका नाम है क्वेंगझाई प्रोविंस, वहाँ पर इसने टेक ऑफ और इसने लैंडिंग भी की है। खास बात यह है कि इसके पहले जो आपने 2 महीने पहले जो कार देखी होगी उसमें वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन ये कार जो है वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड करने में सक्षम है। और इसकी डिलीवरी भी 2024 तक स्टार्ट हो जाएगी। तथा बात करें तो ये जो इसकी जो टेस्टिंग हुई है वो चाइना का जो पहला मास सिमुलेशन बेस बना रखा उन्होंने, तथा चाइना का ये जो बेस है उससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर किया है। और इसकी जो है स्मॉल स्केल पर डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी 2024 तक। तथा आप बात करते हैं कि नासा की एयर टैक्सी जिसका नाम रखा गया है EVTOL एयरक्राफ्ट, और एक ऑल इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जिसे हम एयर टैक्सी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन नासा का रोल आखिर इसमें क्यों, क्योंकि इसको बनाया है जावे एविएशन जो वहाँ की कंपनी है, लेकिन नासा इसको जो अपनी कार क्यों बता रहा, क्यों अपना क्रेडिट दे रही है। तो देखिए क्या है कि ये जो कार बनाई गई है ये जावे और नासा के कोलैबोरेशन से बनाई गई है, और इसके बाद इसको कई सारे इसमें टेस्टिंग भी की गई है, क्योंकि नासा फ्यूचर में चाहता है कि वो उसने एक आम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आम मतलब है एडवांस एयर मोबिलिटी नेशनल कंपेन उसने लॉन्च की है, और इसके तहत क्या करेगा, जो भी चीज़ें डिजाइन की जाएंगी पब्लिक कॉन्फ्रेंस के लिए टू इमर्जिंग द एविएशन, यानी कि ये क्या करना चाहती है फ्यूचर में, जो भी जैसे मान लो पैसेंजर एयर टैक्सी है इन चीज़ें डेवलप करना चाहती हैं, आपकी उड़ान वाली जो भी चीज़ें हैं वो बनाएंगी इस प्रोग्राम के तहत। तथा इस कंपनी पर आखिर नासा को इतना ज़्यादा भरोसा क्यों है, तो देखिए क्या है, 2017 में इसने 1000 फ्लाइट टेस्ट किए थे और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से इसको सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तथा इसकी बात करें तो इसमें एक पायलट और 4 जो पैसेंजर बैठ सकते हैं, और ऐसे ही अब और भी कम जो एयर टैक्सी हैं वो नासा और जो जावे एविएशन मिल करके डेवलप करेंगे। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या और कुछ भी नया मिलने वाला है आप लोगों को। तो आपकी क्या विचार है कि आपको ये टैक्सी जो है देखने में अच्छी लगी, क्या इसमें आपको ख़राब दिखा और क्या इसमें आपको अच्छा दिखा, ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं जिसको तो आप लोग बखूबी जानते होंगे, कैलविन फेजन, जो कि अभी 2 महीने पहले इसकी 35 मिनट की फ्लाइट भी हुई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसका नाम था नित्रा एंड बैलिस्टिक जो स्लोवेकिया में है। और इसका जो इंजन था एक BMW के टाइप का था, यानी कि इसको कहीं भी आप जैसे ऐसा नहीं कि इसके लिए मुझे अलग से फ्यूल की आप लोगों की आवश्यकता होगी, इसके लिए आप लोग नॉर्मल जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं वहाँ पर का जो पेट्रोल है वही इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं।
तथा जैसे मान लो कि ये कार है और इस कार को क्या करना है, तुरंत किसमें बदलना है, फ्लाइंग कार में बदलना है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए वो 2 मिनट 15 सेकंड का समय लेती है और हवा में मैक्सिमम कितनी देर तक रह सकती है, तो मैक्सिमम जो है 40 घंटे तक हवा में रह सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, देखिए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तथा आपको इन तीनों कार में से कौन सी कार अच्छी लगी, मुझे तो वहीं कौन सी पसंद आई, नासा की आपको कौन सी कार अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तथा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ये भी लिख करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।